रुक आ रहे, मैं बड़ा गिर रहे, क्या मत कर रहा? हाँ, मैं बड़ा है चाचा, क्या गिर गिर, क्या तकलीफ, क्या तुम पे चैन नहीं है? बेटा चैन तो है, बस खुल नहीं रही है। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को। जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है, पता है पापा से कहा भी था, जनरेटर मंगाया भी, इतना खराब लग रहा है। मेकअप वेकअप करा के आए थे, मैं, निशा, सुनीता, सब लोग गए थे, मालूम है, आईब्रो भी बनाई, फेशियल वेशियल करा के आए थे, ना कोई बराती देख पा रहा, ना कोई लाइन मार पा रहा है, सब चीज इतना खराब लग रहा है। हमारी फ्रेंड है निशा, उसके घर शादी थी, हम लोग इतनी रात, पूरी रात नाचे थे, इतना नाचे थे, अंताक्षरी वगैरह खेली थी, जिया जी के चूते वगैरह चुराए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे घर की पहली शादी, पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी, हम लोगों ने कहा भी था जनरेटर मंगा करके, ना मंगाई, पापा अपनी चलाते, सिर्फ अपनी सुनते रहते, कहीं नहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी, बत्ती जब बत्ती चलेगी, इतना खराब लग रहा है, मतलब इतना कचरा हो गया, हम लोग रीली डला के लाए थे, और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग दुल्हन के घर वाले हैं, चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें, लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी, लोगों के क्या करेक्टर हैं, लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है, आज इनके यहां लाइट गई है ना, ये दूसरे शादी में जाते तो बहुत कमी निकालते थे कि नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, टेंट सही नहीं है, आवाज खुद के भीतर ही देते। एक दूसरे करेक्टर, ऐसा भैया जनरेटर तो ला दें 10, एक मिनट जनरेटर पैदा कर दें गुरु, लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते, कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं, ये अभी खड़ा कर दे 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु, अभी के अभी, कोई कहे तो करेंगे, ऐसा थोड़ी मतलब लगे रहेंगे भैया, अपने मन से थोड़ी करेंगे, तो कोई कहे तो कर देंगे, काय को आगे बढ़ के गाय करें, बोले बहुत लबल लबल कर, कल को बात हुए थोड़े बोलता रहा। नहीं नहीं, तो कहे अरे भाई साहब आप बैठिए, आप भैंसे पे आप बैठिए, नहीं नहीं भैंसे पे आप बैठिए, नहीं नहीं आप पैदल चलने अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं नहीं देखिए आप भले आदमी है, नेक आदमी है, आप भैंसे आइए, आप भैंसे पे आप बैठिए, मैं पैदल चलूंगा, मैं पैदल चलू, ऐसे बंद कर, अरे चाची चाची नमस्ते नमस्ते, पहले लगी चाची, हाँ नहीं ज्यादा बात अभी नहीं किया, यमराज की कोई बात किया बाद में आप देख लेना, उसमें मोबाइल पे देख लेना, हाँ चाय बन रही है, पप्पू पकौड़े, क्या बोलू रे, ऑटो स्टार्ट किया मैं, मुश्किल से 1 किलोमीटर गया हूँ, चाचा बोलता है थोड़ा थामा थामा, ओ बेटा रोको रोको रोको, थोड़ा पेशाब जाने का, मैं ऑटो खड़ी किया, क्या क्या है, फिर स्टार्ट किया, एक ही सिग्नल पार किया, हेलो केनेडोरे रखुल रखल और खहुतिया अभिनय रे विभिन्न जनर मास जनप्रियता अर्जन करिबले सक्षम होइछिल राजू श्रीवास्तवे, आमि केटामान दृश्य आपनालोकक देखालु, ए दृश्य समूह तथा तेर अभिनय जेतु जथेष्ट जनप्रियता अर्जन करिछिल विभिन्न जनर मासत 1993 চনত তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, শিখাৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, তেওঁৰ 2টি সন্তান আছে অন্তৰা আৰু আয়ুষ্মান, আৰু মৃত্যুৰ সময়ত যিটো তেওঁৰ বয়স আছিল 58 বছৰ, আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ 1963 চনৰ 25 ডিচেম্বৰত জন্ম হৈছিল কানপুৰত, আৰু ইয়াৰ পাছতে তেওঁ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল মেনে পিয়াৰ কিয়া ছবিখনৰ জৰিয়তে, আৰু ইয়াৰ পাছতে তেওঁ এটাৰ পাছত আন এটা অফাৰ লাভ কৰিছিল, আৰু বহুকেইখন ছবিত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল, কেইবাটাও কমেডি শ্ব' আছিল, আৰু সেই শ্ব'সমূহৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰাজু শ্ৰীবাস্তৱে। जब ती चलेगी इतना खराब लग रहा है, मतलब इतना इतना कचरा हो गया, हम रीली डला के लाए थे किसी को।